नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरें। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया ने खास वीडियो शेयर किया है। इसमें कोच राहुल द्रविड़, कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव समेत अन्य खिलाड़ियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि वे ऋषभ को मिस कर रहे हैं। बता दें कि बाएं हाथ का विकेटकीपर बल्लेबाज 30 दिसंबर को दिल्ली से रुड़की जाते वक्त सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में चोट से उबर रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए उनका चयन नहीं हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया है। आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पर। ऋषभ, hope you're doing well and hope you really get well soon. Over the last one year, I've had the privilege of seeing you play some of the greatest innings played in Indian cricket test history whenever we've been in difficult situations. So I know that you've got the character and you've got the ability to get yourself out of very difficult situations. This is just one such challenge, and I know you're going to bounce back like you have done so many times this year. Look forward to having you back soon, buddy. Hi, Rishabh. Just wanted to wish you a very speedy recovery. I know you've been a fighter, and things are not as what you would have liked, but life is like that, and I know the kind of person you are. You will kind of break all the doors and make a comeback as what you have always done. So my love and my wishes are always with you, and the whole team and the whole nation is behind you. Get well soon, my brother. Hi, Rishabh. Wishing you a speedy recovery. I know what the situation is right now, and we miss you here, and we can't wait to have you back as soon as possible. You've always been a fighter. I know when you have been on the field. And I know you will be back soon. So have a lovely recovery, and we'll see you soon. Take care, brother. Hi, Rishabh. Get well soon, bro. We are all missing you. जल्दी से ठीक होके आ जाओ. साथ में चौके छक्के मारते हैं. Take care, my brother. Hi, Rishabh. We all miss you here in the Indian cricket team, and all we can do here is wish you a very speedy recovery. And I know you are a fighter, and you will be back very soon, much stronger. Hi, Rishabh. On the behalf of the whole Indian cricket team, I want to wish you a very speedy recovery. We all know the kind of person you are and that you are a fighter, and we all know you're going to get through this, and hopefully we'll see you soon. विलास गोडबोले एक दशक पहले मुंबई की अंडर 22 टीम के कोच थे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में विलास गोडबोले पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि कैसे उन्होंने सूर्य कुमार यादव के कान में कहा था कि वो एक दिन भारत के लिए खेलेंगे। विलास गोडबोले कहते हैं, वो तब भी बहुत प्रतिभाशाली था। अब हम बहस कर सकते हैं कि उसे पहले ही भारत के लिए पदार्पण कर लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार ने कमबैक किया है वो उल्लेखनीय था। मैंने उसे मध्यम तेज गेंदबाजों के खिलाफ रिवर्स स्वीप खेलते हुए देखा है। मैंने सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को करीब से देखा है, लेकिन कभी किसी को इतना खास नहीं देखा। विलास गोडबोले ने वानखेड़े में कई पीढ़ियों से दिग्गज खिलाड़ियों को देखा है। उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजी घराने में बदलाव होते हुए देखा है। अब ये सूर्य कुमार यादव हैं जो विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, लेकिन शायद सूर्य कुमार यादव एकमात्र हैं जिन्हें 360 डिग्री का खिलाड़ी कहा जा सकता है। बिग बैश लीग को 2024-25 सीजन के हिस्से घटाकर 43 गेम का कर दिया जाएगा, जो मौजूदा मुकाबलों की संख्या से 18 कम है। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से फॉक्सटेल ग्रुप और सेवन वेस्ट मीडिया के साथ किए गए 7 साल के लिए एक नए घरेलू प्रसारण सौदे का हिस्सा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि CA ने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धता में वृद्धि, प्राइम टाइम मैचों का अधिक अनुपात और स्कूल की छुट्टियों के साथ मजबूत गठबंधन की मंजूरी देने के लिए नए सौदे में BBL के मुकाबलों को कम किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।